सो वी आर बैक ऑन NH30. अलग ही लगाव है मुझे इस NH से. आई हैव गॉन थ्रू दिस NH अ मिलियन टाइम्स एंड एवरी सिंगल टाइम इट एक्साइट्स मी. दोस्तों, ट्रैवल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको ऑन रोड अनएक्सपेक्टेडली कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो आप किसी बुक या वेबसाइट पे नहीं सीख सकते. हाउ टू बी मोर अलाइव. मिलिए एक ऐसे कपल से जिसे नाम दिया है मैंने जय और वीरू, जो मुझे मिले थे ऑन रोड. अगेन वीकेंड ट्रिप पे बस्तर के. एंड जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि ट्रैवल आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिला देता है, दिखा देता है, जो और कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी इवेंट. सो ऐसा ही बहुत ही हमको रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल मिला है जो आया है गुजरात से इस बाइक पे, इतनी प्यारी सी क्यूट सी बाइक पे. एंड वो निकले हुए हैं 10 दिन से एंड वो जा रहे हैं अभी जगदलपुर की ओर. तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर और मैम यहाँ कैसे आए और उनको कैसा लग रहा है. आपका नाम सर? मेरा नाम मोहन लाल पोपट लाल चौहान है. ओके, मोहन लाल पोपट लाल चौहान सर. आप कितने एज के हैं? मैं 76 ईयर ओल्ड हूँ. 76 ईयर ओल्ड. और मैम आप? 70 ईयर. आपका नाम है? लीला बैन चौहान. का नाम भी है, ब्लड ग्रुप भी है. सो दिस इज द वे यू शुड ट्रैवल इफ यू आर ट्रैवलिंग. एंड सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें. जो हमारा 12वां एक ज्योतिर्लिंग बाकी है, हमने अभी तक में 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किया पूरे. अभी हमारे को यही गाड़ी से 12वां ज्योतिर्लिंग हैदराबाद के पास श्रीशैलम वो पूरा करके जाना है चेन्नई. चेन्नई से हम और तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की ट्रिप पे एक बार तो हो चुका है. अच्छा, एक बार कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, पूरा कर दिया. अच्छा, इसमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से इसमें लगे हुए हैं सारे, जहाँ जहाँ से वो जगह से आए. 2017 में वो एक बार कर चुके हैं. वाओ वाओ, जस्ट अमेजिंग. सो इससे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको क्या मिल सकती है ट्रैवल की. इतना प्यारा सा कपल पूरी ऑल ओवर इंडिया की बाइक ट्रिप पे निकला हुआ है एंड वो 12th ज्योतिर्लिंग कवर करने जा रहे हैं. गुजरात से हमने शुरू किया, नागपुर आए, रायपुर आए, यहाँ से जगदलपुर से हैदराबाद जाएंगे एंड हैदराबाद से श्रीशैलम. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इंटरेस्टिंग आपकी ट्रिप में? हमारे को ट्रिप में जो ये लोगों को मिलना, लोगों का प्यार, वो हर जगह में जो हमको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्या, यूपी में क्या, बिहार में क्या, हर एक जगह में जो जनता है वो, जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटी उम्र के, वो हमें इतने प्यार देते हैं कि हमारी उम्र और भी बढ़ जाती है. इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती कि कोई ट्रैवल का उसको कोई और इससे ब्यूटीफुल वे में बता सकता है. इसने कहा चाहे जहाँ के भी लोग हो, यूपी के लोग हो, महाराष्ट्र के लोग हो, छत्तीसगढ़ के लोग हो, जो सबका प्यार हो, असम में जाके आए, झारखंड जाके आए, सब कुछ, सब जगह, मेघालय भी जाके आए, और इनका जो प्यार है वो उससे मिलके वो उनकी उम्र को घटा देता है. सो कैन यू इमेजिन इससे ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन हो सकता है ट्रैवल का एंड लाइफ फिलॉसफी का? हमारा प्रोग्राम 2 महीने से ज्यादा है, 2 महीने से ज्यादा की ट्रिप पे निकले हुए हैं एंड गोवा इसी जगह पे जाने वाले हैं. सो आप किसी भी एज के हैं, ऐसा नहीं है कि आप यंग हैं तभी आपको ट्रैवल करना है. आप जब बड़े होते जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए. इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग कपल आपको नहीं मिल सकता इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इंस्पिरेशन टू ट्रैवल. आई जस्ट वांट टू ग्रो अप एंड एज लाइक देम. आई जस्ट विश कि इतनी ज़ील मुझ में रहे जब मैं उतनी बड़ी हूँ. So our first stop is gonna be artisan village of Konda Gaon, जहाँ मैं आपको ले चलूँगी ढोकरा आर्ट की लाइव वर्कशॉप. ढोकरा आर्ट इज अ 4000 ओल्ड आर्ट ट्रेडिशन जिसके स्पेसिमेन मैंने आपको एपिसोड 1 में छिटकू मिट्टी शॉप में भी दिखाई थी. हेलो,
सो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था झिटकू मिट्टी शॉप कोंडा गांव में, जिसमें टेराकोटा था, बेल मेटल आर्ट था और बहुत प्यारे प्यारे आर्टिफैक्ट्स थे जो अब एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत सारी कंट्रीज में हमारे आर्ट के लिए एक अलग से नाम बनाया हुआ है हमने। सो आज इस ट्रिप का थीम है अनकन्वेंशनल वस्त्र, तो हम ट्राई करेंगे ऐसे पार्ट को देखने का जो यूजुअली टूरिस्टी थिंग नहीं है, जो हम देखते हैं कि बेल मेटल का डोकरा आर्ट जो झिटकू मिट्टी की वर्कशॉप में है हम, तो कैसे ये बनता है उसके बारे में। तो हम है वर्कशॉप में, आपका नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र बघेल है, मैं बेल मेटल का शिल्पी हूँ। अच्छा, राजेंद्र बघेल जी से हम बात कर रहे हैं जो बेल मेटल की वर्कशॉप में शिल्पी हैं। हमको डिटेल में बताएंगे कि कैसे बेल मेटल का प्रोसेस होता है एंड साथ ही हम वर्कशॉप में हैं तो आपको देख भी सकते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे होता है। हम लोग जो बेल मेटल का जो काम करते हैं उसमें 12 स्टेप होता है वन बाई वन, तो उसमें 3 प्रकार की मिट्टी लगती है, खेत की काली मिट्टी, जंगल की जो दिमाग का जो किला होता है जंगल में वो मिट्टी, और नदी किनारे का मिट्टी, उसमें चावल का छिलका मिक्स करके ऐसे तैयार होता है। इसमें मोम लगता है, पीतल लगता है, ये रॉ मटेरियल लगता है। इसमें पहले जो खेत की काली मिट्टी में चावल का छिलका भूसा मिक्स करके ऐसा मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद में जो भी आए जो चीज़ बना रहे हैं उसका पहला रूप ऐसा बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में जो नदी किनारे की जो मिट्टी होती है नदी किनारे की जो मिट्टी रेतीला मिट्टी होती वो इसमें लगाते हैं, ये लगा रहे हैं और फिर इसको सुखाया जाता है। हर स्टेप में सुखने के बाद में फिर इसको एमरी पेपर या फाइल से इसको घिस घिस के इसका बराबर बारीक से इसको जो फाइननेस जो इतने ब्यूटीफुल फाइननेस दिखती है उसमें, ये स्टेप 3 का है जिसको उसको पेपर से घिस के उसको फाइन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो मधुमक्खी का जो छत होता है उसमें शहद निकालने के बाद तो मोम बचता है, उस मोम को छान के उसका धागा निकाला जाता है। एंड इफ यू कैन सी ये मधुमक्खी के छत्ते से बना हुआ धागा है, ये धागा है। देखिए क्या ब्यूटीफुल, मतलब क्या गजब है इंडिया, कैन यू जस्ट इमेजिन। फिर इस धागे को एक एक करके इस बनी हुई को लपेटा जाता है। ये है थर्ड स्टेप का कास्ट और उसके ऊपर धागा लग रहा है बी वैक्स से बना हुआ, कि एक एक धागा एक एक बार में लगाया है, एंड इट शुड बी ऑफ सिमिलर ब्रेड सिमिलर साइज। तो कितना फाइन वर्क है आप देखिए, एक लेयर लगने के बाद फिर से उसकी डिटेल के साथ उसकी फिगर्स किए जाते हैं, कपड़े, आँख, नाक, फीचर्स, गाय का गोबर, नदी की मिट्टी और कोयले का पाउडर, जिससे ब्लैक कलर और ब्यूटीफुली आए। इसको पाउडर बना के छान के उसको फिर से एक और लेयर बनती है उसके, फिर उसके ऊपर सर कवरिंग किया जाता है जैसे इसको। सो ये है इसके अंदर मोम की बनी हुई कंप्लीट रेडी है तैयार। जो वैक्स है इट्स इनसाइड दिस कास्ट, सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉस्ट वैक टेक्निक। इसके बाद इसको भट्टी में डालेंगे एंड जो वैक्स है वो गल के गर्म होके इवेपोरेट हो जाएगा एंड वहाँ पे उस जो फाइननेस से वो जो स्ट्रक्चर बना था वहाँ पे खाली जगह बन जाएंगे मिट्टी के कास्ट में। उसके बाद उसमें बेल मेटल डालते हैं हम, ये जो फर्स्ट मिट्टी हुआ, इसके बाद जो जंगल में दीमक का जो किला होता है उस मिट्टी और चावल का छिलका भूसा वो मिक्स करके तैयार हो जाता है। दो लेयर्स है मिट्टी की। फिर उसके बाद में ऐसा लगाते हैं, एक बार मजबूती के लिए ये भट्टी में जब जाएगा तो वो 1300 डिग्री में पकता है, तो जो नदी किनारे का जो मिट्टी है उसमें 150-200 डिग्री का सहने का ताकत होता है। समझ आया आपको, दीमक की जो मिट्टी का एंट हिल होता है वो बारिश में भी गिरता नहीं है। सो वहाँ से ये थॉट आया कि उसमें स्ट्रेंथ है इसलिए उसको यूज किया जा सकता है फर्नेस में। सो दिस इज व्हाट ना एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं कि आप नेचर से सीखिए एंड उससे कितना आप उसको बेहतरीन कर सकते हैं अपनी तरफ से नोट करके।
एंड इसके बाद फिर उसके बाद में ये भट्टी में चला जाता है। भट्टी में डाल के फिर उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लकड़ी डाल के उसको पकाया जाता है, पूरा वो पक जाता है, ईंट के शरीर लाल हो जाता है। तो और मेटल जो पुराने पार्ट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, मशीन के भी पार्ट्स होते हैं या जो भी पुराने आते हैं आजकल, पहले तो खाली आते थे, उसको फिर हम लोग मेल्ट करते हैं और इसको पूरा जला देते हैं। भट्टी वाला अभी भट्टी में कितनी देर तक रखना पड़ता है? भट्टी में एक छोटा सा छोटा भी होगा तो 2 से 3 घंटा, बड़े बड़े को 10 घंटा 12 घंटा, जैसे हाथी है ये 12 घंटा करीब पकना पड़ेगा। बड़े साइज के आर्टिफैक्ट को हमको 12 घंटे तक रखना पड़ेगा। फिर पूरा ईंट के शरीक पक जाता है और मेटल पूरा मेल्ट होकर पानी के शरीक हो जाता है, तो फिर हम उसको उल्टा करके वो चाड़ी के सहारा में उसके अंदर पोर करेंगे। तो जो वैक्स निकल गया, मिट्टी का कास बचा, अंदर में मूर्ति की बहुत फाइन सी जगह बच गई, उसमें बेल मेटल को डाला जाता है एंड उसको मिट्टी को तोड़ तोड़ के वो ठंडा होने के बाद में जिसको मिट्टी के मोम के ऊपर जो मिट्टी लगी थी वो मिट्टी पूरा तोड़ तोड़ के हटा देते हैं, फिर जैसी मोम की बनी हुई आकृति रहती है वो पेटल की बन जाती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये बस्तर की जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं वो एक्चुअल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं। तो जो कहानियाँ जो हम नेचर और मैन का जो इंटरेक्शन है, गाय के साथ बछड़ा, मतलब गाय अलग से अकेले नहीं बनाई जाती, उसके साथ बछड़ा भी बनाया जाता है, तो इतना प्यारा सा। एंड ये जो मेटल यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे वैक्स था पहले एंड उसकी जगह पे आया और उसको मिट्टी से हटा के दिया, एंड कितना फाइननेस से ये चीज़ बन के आती है। सो जस्ट इमेजिन हाउ एनरिच आर्टिस्टिकली वी आर। Every art form of tribal culture is very close to nature. Their whole life actually is great symphony with nature. If you plan a visit to Bastar, you must take a stop in Kondagaon, visit this workshop, meet and encourage this beautiful artist. So, our next stop is Kondagaon's Jorhat Ethnic Resort, जो बहुत ही प्यारी सी जगह पे बना हुआ है एंड रायपुर एंड जगदलपुर के बीच में है। सो इफ यू वांट टू स्टे, टेक अ ब्रेक एंड एक्सपीरियंस द ट्राइबल कल्चर एक साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे मैं बैठी हुई हूँ जिसको कहा जाता है घोटुल। घोटुल आर एक्चुअली यूथ हॉस्टल्स जो बस्तर के कल्चर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, एंड यहाँ पे जो यंग लड़के लड़कियाँ होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है, वो वहाँ डांस करते हैं, गाने गाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं एंड फिर एक दूसरे को जानते हैं इस प्रोसेस में। एंड अगर आपको एक दूसरे की क्लिकिंग हो गई सो दे कैन चूज देयर पोटेंशियल वाइफ और हस्बैंड इसी कैंपस में, एंड उनको परमिशन दी जाती है कि वो शादी कर लें उसके बाद। सो इतना ओपननेस बहुत ही प्यारा लगता है अगर ट्राइबल कल्चर में है, एंड जस्ट इमेजिन लड़कियों को यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी फ्रीडम है, लेकिन चूज देयर लाइफ पार्टनर। एंड आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी कि जस्ट सेक्स रेशियो है बस्तर का वो अबव 1000 है, और इंडिया का जो हम इतना ह्यूमन क्राई सुनते हैं कि सेक्स रेशियो इज सो बैड सारे वर्ल्ड में, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट, बस्तर रीजन में इट्स अबव 1000। सो कहीं ना कहीं आई थिंक कि जो ओपननेस है कल्चर की एंड जो वुमेन एम्पावरमेंट की, दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन जो हम वुमेन एम्पावरमेंट का बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपने डिसीजन खुद लेती हैं, दैट इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस। जहाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि नौकरी कर रही है तभी वुमेन एम्पावरमेंट होता है, जहाँ पे भी हैं उनको इक्वल चांस दिया जा रहा है अपने डिसीजन लेने का। तो आई थिंक हम बस्तर से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सो आप जस्ट घूमने नहीं आएंगे, ट्राइबल लाइफ को वाइब कर लेंगे कहीं ना कहीं व्हेन यू कम टू बस्तर। सो प्लीज़ यू कम एंड जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअल ट्राइबल कल्चर इज। One love, that's all you need to be everything you want to be, and all that love is standing right here.
उनके साथ चूल्हे पे पका हुआ खाना खाना, उनकी लाइफ को समझना अपने आप में ही एडवेंचर है। सिंपल सी लाइफ पर एक कंप्लीटनेस का एहसास, और असली मायने में वुमेन एम्पावरमेंट आपको हर जगह दिख जाएगा। एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर आपका हार्दिक स्वागत करता है।